क्या है सीएम के तौर पर 69 साल के उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी कमजोरी? सिर्फ 69 साल की उम्र में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। वह मनोहर जोशी नारायण राणे के बाद शिवसेना के तीसरे नेता हैं जो सीएम बने हैं, लेकिन जोशी और राणे के ऊपर उद्धव के पिता बाला साहेब ठाकरे का हाथ था। तब की सरकारों का कंट्रोल मातोश्री के पास होता है। अभी ये तय नहीं हुआ कि उद्धव मातोश्री में ही रहेगा या मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास पर वर्षा में शिफ्ट करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का पद जितना उनके लिए गर्व की बात है, उतनी ही बड़ी ये चुनौती भी साबित हो सकती है। आइए जानते हैं सीएम के तौर पर उनके सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, जिससे आने वाले दिनों में उन्हें निपटना पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे की छवि अपने पिता के विपरीत बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व की रही है। उन्होंने बाला साहेब की राजनीतिक विरासत तो संभाले, लेकिन उनमें उन जैसा सियासी दबदबा नहीं दिखता जिसके दम पर वह मातोश्री से ही सरकारें चलाया करते थे। पिता के बाद उद्धव ने पार्टी का संगठन तो संभाला, लेकिन उनके पास कोई भी प्रशासनिक अनुभव नहीं है। यहाँ तक चुनावी राजनीति की बात है तो उद्धव आज तक खुद प्रशाद का भी चुनाव नहीं लड़े हैं। उनके परिवार से पहले बार चुनाव लड़ने का अनुभव इस बार उनके बेटे आदित्य ठाकरे को ही मिला है। उद्धव ठाकरे ने जब से पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है, उनका तालमेल सामान्य विचारधारा वाली पार्टी बीजेपी के साथ रहा, लेकिन अब वह सिर्फ शिवसेना के नेता नहीं है। वह शिवसेना के अलावा एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन वाले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेता भी हैं। अब उन्हें आक्रामक हिंदुत्व को किनारे रखकर सेक्युलर धारा की राजनीति में बहने की कोशिश करनी पड़ेगी।